लॉकडाउन चल रहा है, स्कूल बंद हैं, कॉलेज बंद हैं, सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बंद हैं और आप अपने लेक्चर वीडियोस तैयार कर रहे हैं अपने घर से ही। यहाँ पे आपके पास कोई ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट नहीं है, सिर्फ आपका मोबाइल या हो सकता है एक आध के पास अपना कोई कैमरा भी हो जिसकी सहायता से वो वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। ये दुर्घटना बहुत सारे टीचर्स के साथ हो रही है। वो कंटेंट अच्छा उनके पास है, निसंदेह वो एक अच्छे शिक्षक हैं, परंतु उस टेक्नोलॉजी की वजह से, छोटी सी कमियों की वजह से जो वो नहीं जानते, उसकी वजह से उनका कंटेंट वेस्ट हो रहा है, खराब हो रहा है। आपका मोबाइल चाहे नया हो या पुराना हो, उसी मोबाइल से आप बेहतर, मैं यहाँ पे बेहतर की बजाय बेहतरीन कहूँगा, किस तरीके से वीडियो बनाए, तो वो सारे पॉइंट्स, वो सारी इंफॉर्मेशन, उसके पीछे की सारी टेक्नोलॉजी मैं यहाँ पे शेयर करूँगा आप सबके साथ। तो इस वीडियो को अंत तक देखना है, छोड़ना नहीं है, कहीं पर भी छूटा तो एक आध पॉइंट छूट जाएगा जिसके कारण फिर से वही वेस्ट वीडियो बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं, समझते हैं है क्या। जब भी आप एजुकेशनल वीडियोस तैयार करते हैं तो उसमें आमतौर से तीन टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा सकता है। आप बोर्ड पे पढ़ा रहे होते हैं, या आप पेपर के ऊपर काम कर रहे हैं, या आप डिजिटल स्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं। मैं उन तीसरे पॉइंट्स के ऊपर तो यहाँ पे इस वीडियो में नहीं जाऊँगा, क्योंकि तीसरा पॉइंट डिजिटल स्क्रीन अभी आपके पास इस तरह की पॉसिबिलिटीज नहीं है, हो सकता है ना हो, होंगी तो वो हम बाद में डिटेल्स में चर्चा करेंगे किसी दूसरे वीडियो में। फिलहाल हम दो के ऊपर स्टिक करते हैं। पहला है कि आप बोर्ड के ऊपर पढ़ा रहे हैं और दूसरा है आप कॉपी के ऊपर या सिंपल पेपर्स के ऊपर ही पढ़ा रहे हैं। तो दोनों में ही पढ़ा रहे हैं तो उसके लिए आपको एक कैमरे की रिक्वायरमेंट होगी। कैमरे फिर यहाँ पे देखा जाए तो आपके पास दो ऑप्शन हो सकती हैं, एक है DSLR और दूसरा है आपका मोबाइल। DSLR की फिर मैंने जैसे स्टार्टिंग में वीडियो में बताया था कि आपके पास मैक्सिमम टीचर्स के पास जो ऑप्शन है वो है मोबाइल फ़ोन। हर टीचर के पास लगभग आज की तारीख में मोबाइल है और अच्छी क्वालिटी का, हम मान के चलते हैं अबो एवरेज क्वालिटी का सभी के पास मोबाइल होता है। तो यहाँ पे मैं DSLR के बारे में फिलहाल बात नहीं करूँगा, उसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे बाद में कि कैसे सेटिंग्स की जाएँ। तो फिलहाल हम यहाँ पर रुकते हैं मोबाइल के लिए। तो मोबाइल से आप बेहतरीन वीडियोज़ कैसे बना सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे मोबाइल के लिए अगर बात करें तो मोबाइल का जो कैमरा होता है उसकी अपनी लिमिटेशंस हैं। पहली लिमिटेशंस और जो सबसे बड़ी लिमिटेशन मोबाइल के कैमरे की है वो ये है कि उसका जो सेंसर साइज है, सेंसर साइज कैमरे का जो साइज है, उसके पीछे जो चिप लगी होती है उसका साइज इन कंपेरिजन टू अदर कैमराज, चाहे कैमकोडर हो या फिर वो DSLR हो या इस तरह के कैमराज हों, उनके मुकाबले उसका साइज बहुत छोटा होता है। अब सीधी सी बात है, वीडियो रिकॉर्डिंग का जो मेन काम है वो सिंपल फिजिक्स है उसके पीछे कि लाइट की एंट्री है उस सेंसर के ऊपर। लाइट जितनी ज़्यादा आएगी वीडियो उतना ही अच्छा बनेगा, लाइट जितनी कम आएगी वीडियो उतना ही कम अच्छा बनेगा। तो सीधी सी बात, पहला पॉइंट तो यहाँ पे ये आता है कि कैमरे का सेंसर साइज छोटा होता है। ये समझ लें, सेंसर साइज छोटा होगा तो उसकी क्वालिटी निसंदेह अगर आप दूसरे किसी DSLR या कैमरा के कंपेयर करोगे तो क्वालिटी लो बनेगी। परंतु हम कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स को अपना के भी, कुछ छोटी छोटी सावधानियों को रख के उसी कैमरा की क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं। आप खुद करके देखिएगा और आप नीचे कमेंट्स कीजिएगा जब आप अपने उस कैमरा की सेटिंग को करके जो मैं अभी इस वीडियो में बताऊंगा और आप बेहतरीन वीडियो बनाने लग जाएं, तो उम्मीद करता हूं आप यहां पे कमेंट जरूर करेंगे। उसका सेंसर साइज स्मॉल होने की वजह से वहाँ पे रेज ऑफ लाइट जो होती हैं वो कम फाल होती हैं, तो उस वजह से हमें कुछ सेटिंग्स यहाँ पे करनी पड़ेंगी, उसके अंदर कुछ चेंज लेके आने पड़ेंगे। तो बेसिकली मैं यहाँ पे दो कैटेगरीज में डिफरेंट डिवाइड करूँगा, पहली होगी हार्डवेयर और दूसरी होगी सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर में आएगा आपकी लाइट्स, आपका लाइट्स का अरेंजमेंट कैसा होगा, कैमरे की पोजिशन कहाँ पर होगी। तो सबसे पहले इन्हीं सेटिंग की बात करते हैं। तो देखिए कैमरे का जो सेंसर साइज, ध्यान से सुनिएगा इस पॉइंट को, सेंसर साइज स्मॉल है तो इसलिए हमें रोशनी की ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी। कितनी रोशनी होनी चाहिए, एक सीधा सा मैं हिसाब किताब लगाऊं एक नॉर्मल वे में, तो आपको अगर LED का इस्तेमाल करते हो, LED बल्ब, LED ट्यूब या इस तरह के LEDs का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको कम से कम 50 से 60 वाट के
एलईडी बल्ब या ट्यूब चाहिए। 50 से 60 वाट का मतलब ये है कि आप 5 वाट के इस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको 12 चाहिए। 10-10 वाट के आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो कम से कम आपको 6 बल्ब चाहिए। 15 वाट के कर रहे हैं तो 4 बल्ब। तो कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि कम से कम भी आपको 50 से 60 या 70 वाट के आसपास आपको रोशनी के लिए जो बल्ब वगैरह ट्यूब वगैरह हैं वो चाहिएगी। ये इंश्योर कर लें अपने कमरे के अंदर कि आपके कमरे में कम से कम 60 वाट के एलईडी बल्ब या ट्यूबलाइट होनी चाहिए जो रोशनी कर रही हो। ये सेंसर साइज के हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको। दूसरा, अगर CFL हो तो क्या होगा? CFL हो तो CFL, क्योंकि इससे सीधा हम डबल कर लेते हैं, तो 120 से 150 वाट के बीच की आपकी CFL होनी चाहिए, यानी कि फ्लोरोसेंट आपकी ट्यूबलाइट है, कुछ CFL हो गई, तो इस तरीके से ओवरऑल मिला के 120 से लेकर के 160 के बीच में आप रखें। मोस्ट प्रोबेबली आपका 120 से 150 के बीच में आपका अच्छे से वीडियो बन जाएंगे, रोशनी सफिशियंट है उसके लिए। 200 वाट वाले जो बल्ब हैं येलो कलर के वो जला दें, 200 वाट तो दो बल्ब में ही हो जाएगा तो काम चल जाएगा। नो, पीले बल्ब हैं वहाँ पर रोशनी और कम होगी, उससे 4 गुना कर लीजिए आप। 500 वाट का बल्ब जलाएंगे, 4 से 5 गुना 12 से मल्टीप्लाई करें तो 480 के आसपास होता है, तो 480 वाट के आसपास के अगर आप पीले बल्ब जलाते हैं तो काम बन जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर ध्यान रखें, जब आप LED से CFL पे जाएं तो डबल कर लें, और अगर CFL से आप पीले बल्ब की तरफ जा रहे हैं तो वहाँ पे 4 times कर लें। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये तो था लाइट का कि रूम में कितनी लाइट होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट यहाँ पे, हाँ, एक पहले दूसरे पॉइंट से बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ और क्लियर करूँ। बेहतर होगा कि आप वीडियोस, अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहते, आप डे लाइट में बनाइए। डे लाइट का मतलब ये नहीं है कि आप सूरज में बाहर खड़े होकर बनाएंगे, आप अपने कमरे के अंदर, जिसके अंदर कम से कम 2 से 3 खिड़कियाँ हों, बड़ी खिड़कियाँ हों, एक दरवाज़ा हो जिससे रोशनी पूरी आ रही हो, और आपका जो बोर्ड है जहाँ पे या पेपर है उसके ऊपर छाया नहीं गिर रही हो, तो इतना आपको ध्यान रखना है। वहाँ पे इस तरह का आपका अरेंजमेंट या रूम होना चाहिए जहाँ पे आप वीडियोस बना रहे हैं। अगर वो अंधेरा है तो आपको CFL या बल्ब या रोशनी का कोई भी प्रबंध आपको करना ही पड़ेगा। चलिए दूसरे पॉइंट की तरफ बात करते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि आपको उनको रखना कहाँ पे है, कहाँ पे रखें, कितनी दूरी के ऊपर रखें। जैसे मैंने बताया, CFLs को आप कहीं पे भी, या बल्ब हैं आप उसको कहीं पे रखें, परंतु उनकी डायरेक्शन इस तरीके से होनी चाहिए कि वो पेपर के ऊपर डायरेक्ट फॉल नहीं कर रही हो लाइट। पेपर के ऊपर डायरेक्ट फॉल करने का मतलब ये है कि जैसे मान लिया ये पेपर है, तो यूँ नहीं हो कि इसके बिल्कुल सामने ही मैंने ऐसे यहाँ पे बल्ब लगा दिया, ना, उससे क्या होना चाहिए, कुछ एंगल पे इधर उधर होना चाहिए। मे बी बेस्ट रहता है उसके लिए 30 से लेकर के 45 डिग्री का एंगल लगभग। जैसे ये यहाँ पे मैं मान के चलूँ तो यहाँ से थोड़ा सा नीचे, या इस तरीके से ये बोर्ड है मान लिया तो इससे थोड़ा सा आगे या पीछे, 45 डिग्री के एंगल के ऊपर वो लगभग 30 से 45 डिग्री के बीच में लगभग वो बल्ब रखे होने चाहिए। या छत के ऊपर लगा हुआ है तो बोर्ड की अच्छी पोजिशन होनी चाहिए कि कैमरे से, वहाँ से रिफ्लेक्ट होके कैमरे के ऊपर लाइट ना आए, ये आपको ध्यान रखना है। ज़्यादा यूँ नहीं हो कि सीधी लाइट फॉल कर रही है और वापस आ जाए, तो उसमें दिक्कतें हो सकती है, रिफ्लेक्शन आपको मिल सकता है। तो ये ध्यान रखना है, कहीं भी रखें उसको, पर रिफ्लेक्शन कैमरे के अंदर नहीं आना चाहिए, वो पहले आप अपनी पोजीशन फिक्स कर लें। अब रही बात पोजीशन की, ही बात चल रही है जैसे मैं बता रहा हूँ, तो सबसे इम्पोर्टेंट है कैमरा की पोजीशन, कैमरा कहाँ पे रखा हुआ होना चाहिए। तो कैमरे की पोजीशन जब आप देखें तो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपको ध्यान रखना है, आपका कंटेंट क्या है। सीधी सी बात है, बोर्ड है या पेपर है जिसके ऊपर आप लिख रहे हैं, तो आपके कैमरे की ओरिएंटेशन, ज़्यादातर क्या करते हैं, कैमरे को, फ़ोन को यूं का यूं पकड़ के और उससे वीडियो बनाते हैं, वहाँ पे सेंसर का फुल इस्तेमाल नहीं हो पाता। आप उसको रोटेट कीजिए, इस तरीके से रोटेट करेंगे तो उसका फुल इस्तेमाल हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, कैमरा इस तरीके से रोटेट हुआ होना चाहिए। दूसरी बात यहाँ पे मैं क्लियर करूँ कि जो आपका कंटेंट है, मेन कंटेंट है, वो बोर्ड है, वाइट बोर्ड है या ग्रीन बोर्ड है, जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो है, तो उसको इस तरीके से आप फोकस कीजिए कैमरे के चारों तरफ। ध्यान से रखिए, कैमरे का जो फ्रेम बना हुआ है चारों तरफ, जो स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है, उसमें चारों तरफ आपको इतनी जगह जरूर हो कि वहाँ पे चारों तरफ जो बोर्ड की पट्टियाँ हैं उसके चारों तरफ कम से कम आपको आधा से लेकर के 1 फुट की दूरी हर तरफ से होनी चाहिए, वो उसके बीच में होना चाहिए, ये ध्यान रखना है आपको।
अगर ज़्यादा हो गया तो फिर वहाँ पे फ्लक्चुएशंस आएंगी, उससे बचने के लिए मैं बता रहा हूँ, इन्हीं पॉइंट्स को आपने ध्यान रखना है। कम से कम आधा या एक फुट की जगह होनी चाहिए उस बोर्ड के अंदर। ये तो था बोर्ड के केस में, व्हाइट बोर्ड हो या ग्रीन बोर्ड हो, कोई भी हो, आपको इतना ध्यान रखना है। अगर आप पेपर यूज़ करते हैं तो A4 पेज अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसको यूज़ करने का तरीका आमतौर से मैं बताता हूँ आपको। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक वाइट पेपर है, आमतौर से करते क्या हैं हम उसको यूँ लिखना शुरू किया और यहाँ से हम लिखना शुरू कर देते हैं, इस तरीके से, इस तरीके से ओरिएंटेशन रखते हैं उसके सामने। ऐसे नहीं रखना है उसको, आपको ऐसे रखना है। जैसे पेज की ओरिएंटेशन है, कैमरे की ओरिएंटेशन भी बिल्कुल वैसी ही होनी चाहिए, उसी तरीके से। जैसे मान लिया ये यहाँ पे है तो कैमरा भी आपको ऐसे ही रखना है, अगर ये पेज ऐसे है तो कैमरा भी आपको। तो जब भी आप पेपर के ऊपर वीडियोस बनाएं तो उसका कैमरा की पोजीशन बिल्कुल उस पेपर की पोजीशन के साथ मैच होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे अब इसकी सेटिंग ध्यान रखें, क्या पॉइंट है इसमें, जब आप पेपर के ऊपर लिख रहे हैं तो ये एंश्योर करें कि कैमरे की सेटिंग जब आप कर रहे हैं तो उसके चारों तरफ स्पेस दिखाई नहीं देना चाहिए ज़्यादा, मतलब इतना हो सिर्फ इसकी किनारियों के ऊपर से आप निशान लगाएं पेपर के ऊपर, पहले से कोई पेन से निशान लगा ले, डॉट्स लगा ले, जिससे ये अंदाजा हो जाए कि यहाँ तक का है। इसके चारों तरफ स्पेस नहीं बचा हुआ होना चाहिए। बोर्ड में मैंने बताया था आधा से लेकर के एक फिट का स्पेस होना चाहिए, इसके चारों तरफ कोई स्पेस नहीं होना चाहिए। अब दूसरी बात, बेहतर कौन सा है इनमें से, पेपर पे बनाएं या बोर्ड पे बनाएं? तो देखिए, अगर आप मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहे हैं तो मैं रेकमेंड करूंगा आप पेपर के ऊपर बनाइए। बोर्ड के ऊपर बनाएंगे क्योंकि साइज बड़ा है, सेंसर साइज छोटा है, पिक्सल्स कम है, अब जरूरी नहीं आप कह सकते हैं कि मेरा 64 मेगापिक्सल का कैमरा है, 108 मेगापिक्सल का कैमरा है, सब बकवास है, सेंसर उतना ही है। मेन बात याद रखें, 12 मेगापिक्सल का कैमरा होता है DSLR का, और आपके 64 108 मेगापिक्सल से कहीं ज़्यादा अच्छे फोटो लेता है वो। कारण क्या है, सेंसर के साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है। तो सेंसर का साइज़ कैमरे का छोटा है, पिक्सल चाहे कितने भी हों पिक्सल छोटे हैं, क्वालिटी घटिया होगी ही होगी, वो चाहे कोई भी कैमरा हो, इन कंपैरिजन टू पेपर। क्योंकि बड़ी चीज़ को वहीं, एक तो वहीं उतने ही पिक्सल स्कैन कर रहे हैं, एक छोटी चीज़ को स्कैन कर रहे हैं, तो रिजोल्यूशन ज़्यादा बनेगा, वो अच्छे क्लियर होंगे। तो वहाँ पे मैं रेकमेंड करूँगा कि जब भी आप एजुकेशनल वीडियो इस तरह से बना रहे हैं तो पेपर के ऊपर बनाइए, पेपर की ओरिएंटेशन ऐसे रखिए, इसके ऊपर इस तरफ से लिखना शुरू कीजिए और फिर आप वीडियोज़ बनाइए। तो ये ध्यान रखना, बोर्ड की बजाय मैं रेकमेंड करूँगा पेपर के ऊपर। पेपर के ऊपर क्या रख, अब पेपर के ऊपर किस बात का ध्यान रखना है, एक मैंने बताया किनारे के चारों तरफ से जगह नहीं होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, आपको बाल पेन यूज़ करना है या जेल पेन यूज़ करना है। बाल पेन ऐसा होना चाहिए जिसकी स्याही चमके नहीं। मैं बेस्ट मानता हूँ यहाँ पे ब्लैक, ब्लू और ग्रीन कलर के जो पेन है, रेड कलर के चार आप जेल पेन ले लीजिए और उन्हीं का इस्तेमाल कीजिए, जेल पेन का, इन कंपेरिजन टू पेंसिल वगैरह वहाँ पर बिल्कुल यूज़ नहीं करनी है। तो आपको पेन यूज़ करना है, जेल पेन यूज़ करना है। बहुत सारे वीडियोज़ के अंदर मैंने देखा है, बहुत सारे यूट्यूब के ऊपर भी दुनिया भर के वीडियोज़ ऐसे चल रहे हैं जो स्केच पेन का इस्तेमाल करते हैं। स्केच पेन का इस्तेमाल नहीं करना है, उससे मोटा ज़रूर होता है पर क्वालिटी जो कंटेंट की है, लिखावट जो है, लिखने का जो तरीका है वो घट जाता है, स्पेस घट जाता है, मटीरियल घट जाता है। तो बेस्ट रहेगा आप उसके अंदर जेल पेन का इस्तेमाल करेंगे। तो ये तो थी यहाँ पे ओरिएंटेशन की बात कि पोजीशन कैसे रखें। अब पेपर के ऊपर जब कर रहे हैं तो लाइटिंग का क्या हो, ज़्यादातर क्या करते हैं, हमें लगता है कि वहाँ पे अंधेरा है, अंधेरा नहीं है एक्चुअल में, जितने बल्ब मैंने बताए थे उतने होंगे तो बोर्ड के ऊपर काम चल जाएगा। अब पेपर के लिए अगर कर रहे हो तो सीधा उसका 1/4 कर दीजिए, 15 वाट का बल्ब सफिशियंट है पेपर के ऊपर जब आप राइटिंग कर रहे हैं। कहाँ पे, छत पे नहीं लगा हुआ होना चाहिए, वो उसके आसपास कहीं पे होना चाहिए। जैसे अभी आपको भी लाइट दिखाई दे रही होगी, एक हिस्से को मैं फोल्ड कर देता हूँ तो यहाँ पे लाइट कम है और यहाँ पे लाइट खूब है, क्योंकि यहाँ पे लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स की वजह से इसके ऊपर गिर रही है। और अगर मैं इसके ऊपर कुछ लिख भी दूंगा तो वो भी बड़े अच्छे से नजर आएगा, इन कंपैरिजन टू मेरे से यहाँ पे 7-8 फीट की दूरी के ऊपर एक बोर्ड होगा, उस बड़े से के ऊपर लिखूंगा तो भी आपको देखिए बैकग्राउंड में दिख रहा होगा, यहाँ पे करीब करीब यूँ मान के चले 1/2 फुट के साइज के ये अक्षर हैं जो आपको ये दिखाई दे रहे हैं, पीछे हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ है, ये मेरी ख्याल से समझ में नहीं आ रहे होंगे। और यहाँ पे मैं जो इस्तेमाल कर रहा हूँ वो एक हाई प्रोफाइल कैमरा है, उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ, उससे ही क्लियर नहीं हो रहे, उससे ही समझ में नहीं आ रहे, तो मोबाइल के कैमरे से कैसे समझ में आएंगे। तो मोबाइल से मैं तो यही कहूँगा, आप
वीडियोस बनाएं तो बोर्ड की ना बनाएं, कागज़ की बनाएं। फिर भी अगर बाई चांस कहते बोला जी आपने बताया था कि बोर्ड की बनाने का टेक्निक बताइए हमें, तो चिंता मत कीजिए, मैं आगे कुछ सेटिंग्स बता रहा हूँ जिसकी हेल्प से आप बोर्ड की भी, बोर्ड के अगर आप बोर्ड के ऊपर व्हाइट बोर्ड के ऊपर भी पढ़ा रहे हैं उसकी भी जो वीडियोज होंगी वो आपकी बेस्ट क्लास होंगी। तो पोजिशन ध्यान रख लिया आपने, जो भी रखना है किस तरीके से ओरिएंटेशन, किस तरह के पेन का या मार्कर्स का आपने इस्तेमाल करना है। अब चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब आपकी सारी सेटिंग्स ये तो आपकी हो गई पोजीशन वगैरह की, हाँ एक सेटिंग और रह गई आप इसमें, जैसे पोजीशन आपकी क्या हो, तो कोशिश कीजिए आप कम ही दिखें। कम ही दिखे का मतलब ये हुआ कि जब आप हैंडराइटिंग बोर्ड के ऊपर कर रहे हैं तो मैंने बताया था एक फिट की जगह मैंने आपके लिए रखी थी, टीचर जितना होता है एक फिट से बाहर लगभग नहीं जाता, तो आप दिखेंगे चिंता मत कीजिए, तो दिखेंगे उसके अंदर, तो टीचर का चेहरा जरूर दिखाई देना चाहिए जब वो कुछ समझा रहा हो या बता रहा हो। तो बोला जी फिर पेपर के केस में क्या होगा, पेपर के केस में हाथ दिखाई देगा आप जब लिख रहे हैं उसका। अब कैंप्रिम मेरे की ओरिएंटेशन क्या हो, तो देखिए मैं एक और एग्जांपल आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक पेन है और इस पेन की सहायता से मैं इस पेपर पे लिखना शुरू करता हूँ। अब मेरे ख्याल से यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा, तो ये ध्यान रखिए जब भी आप पेपर के ऊपर लिख रहे हैं ना तो पेपर के इस तरफ से दिखता है ना कि इस तरफ से, तो कैमरे की पोजीशन आप इस तरीके से रखिए कि वहां से वो दिखाई दे। दूसरा पोजीशन मैं एक और बता रहा हूँ यहाँ पे, लाइट इस तरीके से आपने यूज करनी, देखिए यहाँ से अगर मैं लाइट ऐसे इस्तेमाल कर रहा हूँ तो आपको अच्छे से दिख रही है, अगर लाइट इस तरीके से होगी तो यहाँ पे छाया आ जाएगी। तो हमेशा लाइट सोर्स को इस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आप राइट हैंड से लिख रहे हैं तो लाइट इस तरफ से गिरनी चाहिए, अगर आप लेफ्ट हैंड से लिख रहे हैं तो लाइट इस तरफ से गिरनी चाहिए। तो जहाँ जिस तरफ से भी आप लिख रहे हैं लाइट हमेशा उसी तरफ से आनी चाहिए, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो इस तरफ से, उस तरफ आ रहे हैं तो इस तरफ से। आपको क्या ध्यान रखना है कि फ्लैश ऑन नहीं करनी है, अगर आप फ्लैश ऑन करते हैं तो वहाँ पे जो फ्लैश वाला एरिया होगा वो तो ज़्यादा ब्राइट हो जाएगा, बाकी सारा डार्क हो जाएगा, यूनिफॉर्म लाइट नहीं रहेगी, तो इस वजह से ये यूज ना करें। अगर आपको यूनिफॉर्म लाइट लेनी है तो वहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखें, बल्ब अगर आप अपने पास में रख रहे हैं बिल्कुल उसके पेपर के बिल्कुल पास में, तो उसके नीचे एक सफ़ेद कपड़ा या कोई भी डिफ्यूज़र पॉलीथीन वगैरह आप लटका दें और उसको थोड़ा सा दूर रखें, तो उससे लाइट डिफ्यूज़ हो जाएगी, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा लाइट का हर पॉइंट के ऊपर। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। तो ये तो थे मेन पॉइंट्स कि आपको सेटिंग या पोजीशंस वगैरह क्या करनी है। मोबाइल के अंदर क्या करना है अब वो देखते हैं।